दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जिनके आर्म्स बड़े होते हैं उनका ट्राइसेप काफी बड़ा और मस्कुलर होता है, क्योंकि हमारा ट्राइसेप हमारी आर्म्स का 2/3 पार्ट होता है, यानी कि लगभग 60% के आसपास। कुछ लोग ये गलती करते हैं कि वो अपने आर्म्स को ग्रो करने के चक्कर में अपने ट्राइसेप को छोड़कर बाइसेप को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, जबकि उन्हें ये मालूम ही नहीं होता कि हमारा ट्राइसेप बाइसेप के मुकाबले काफ़ी बड़ा होता है। अगर आप भी इन्हीं में से एक हैं तो आपको अभी से अपने ट्राइसेप को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए ताकि आपके आर्म्स बड़े और मस्कुलर दिखें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिन्हें फॉलो करके आप अपने ट्राइसेप मसल को ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले, जब भी आप कोई वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमें हमारी बॉडी का अच्छे से वार्म अप करना ज़रूरी है। जिस मसल को आप ट्रेन करने वाले हैं उस मसल की अच्छे से डायनेमिक स्ट्रेचिंग करनी जरूरी है ताकि हमारे इंजरी होने के चांसेस बहुत कम हो सके। उसके बाद पहली टिप जो रहेगी वो है कि कुछ लोग ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा वेट लगा लेते हैं, जिससे वो अपने ट्राइसेप को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते और उसी वजह से उनका आर्म ग्रो नहीं होता। तो इसीलिए आपको एक्सरसाइज के दौरान वेट उतना ही लगाना है जितना आप, जिसे आप अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। दूसरा, हमारे ट्राइसेप का जो लॉन्ग हेड होता है वो बाकी हेड्स के मुकाबले काफ़ी बड़ा होता है, तो उसे ट्रेन करने के लिए आपको अपने ट्राइसेप वर्कआउट में ओवरहेड एक्सटेंशन एक्सरसाइज को ऐड करना चाहिए। आपको इस एक्सरसाइज के 3 सेट परफॉर्म करने हैं, लगभग अराउंड 12 रेप्स के। आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं आपको कुछ इस तरीके से इसे परफॉर्म करना है। को अपनी आर्म्स को पूरा एक्सटेंड करना है जिससे आपको काफ़ी बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है बार डिप्स या बेंच डिप्स भी आप कर सकते हैं। अब ये एक्सरसाइज आपके ट्राइसेप के लैटरल हेड को टारगेट करती है जिससे आपके ट्राइसेप को काफ़ी अच्छी शेप मिलती है, जिसे हम हॉर्स शू शेप भी बोलते हैं। इसके आपको 3 सेट परफॉर्म करने हैं अराउंड 10 रेप्स के। तीसरा, आपको और ट्राइसेप मसल को ट्रेन करने के टाइम ज़्यादा रेस्ट नहीं देना है, क्योंकि देखा जाए तो ये एक छोटी मसल है बाकी मसल्स के मुकाबले, जैसे चेस्ट, बैक, लेग, शोल्डर। इसलिए आपको 40 से 60 सेकंड्स का रेस्ट देना है अपने सेट्स के बीच में। चौथा, आपको अपने ट्राइसेप वर्कआउट में रोप पुश डाउन एक्सरसाइज को इंक्लूड करना है। अब ये एक्सरसाइज आपके ट्राइसेप को स्ट्रॉन्ग और साथ ही काफ़ी अच्छी बेटर शेप दे दी है। इस एक्सरसाइज के आपको 3 सेट्स परफॉर्म करने हैं 15 रेप्स के। इस एक्सरसाइज में आपको काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रैक्शन और मसल माइंड कनेक्शन मिलेगा, जिससे आपके ट्राइसेप पर पूरा लोड और वो ग्रो होंगे। आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं आपको कुछ इस तरीके से रोप पुश डाउन एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड काफ़ी यूजफुल लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही फिटनेस रिलेटेड वीडियोज़ लेके आता रहूँगा।